गणपति बाप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये हमने सेलिब्रेशन किया ऑस्ट्रेलिया में गणेश चतुर्थी। अब हम इंडिया से तो काफ़ी दूर रहते हैं, बट यू नो ये सारे सेलिब्रेशन से हम इंडिया को अपने दिल के करीब रखते हैं और बच्चों को भी हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं, और ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन से उनको सारा कुछ कल्चरल वैल्यू बताने की कोशिश करते हैं। गाइस, यही फ़ायदा होता है जब आप अपने सेम कम्युनिटी वाले प्लेस पे रहते हो, तो आपको अपने कल्चर से जुड़े रहने का मौका मिलता है, बच्चों को भी अपने कल्चर के बारे में पता रहता है। तो हमारे कम्युनिटी में हमने गणेश बापा को बुलाया था, उनको 5 दिन घर पे रखा, और उसके बाद 5 days was like you know कि हम इंडिया में ही रह रहे, वैसा फील हुआ था। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो इस तरह हमने शुरुआत की। शुरुआत में हमने सब मिलके अच्छे से डेकोरेशन किया, पापा के लिए आसन बनाया, और ये देखिए कितने प्यारे तरीके से हमने इनोवेटिव आइडिया से सभी ने अपना अपना आइडिया लगाया, और इस तरह हमने फाइनल डेकोरेशन रेडी किया। यहाँ डेकोरेशन ख़त्म होने के बाद इवनिंग शाम में सभी इकट्ठा हुए, सभी ने इतने प्यारे प्यारे कलरफुल कपड़े पहने थे, और सभी बहुत अच्छे से रेडी होके शाम में यहाँ पे हमने पूजा स्टार्ट किया। देखिए सारे लोग इतने प्यारे लग रहे हैं, और पूजा स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने पापा के लिए पूजा की, आरती की। अब स्टार्ट होता है बच्चों का कल्चरल डांस, और ये देखिए इतने कितना प्यारा सा क्लासिकल डांस किया है। तो इतनी दूर रह के भी ये सारे वैल्यूज रखना बहुत बड़ी बात होती है, एंड सो नाइस। अब देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इन्होंने पापा के लिए कितना प्यारा सा सॉन्ग और डांस परफॉर्म किया है। देखिए इतना तो हम इंडिया में भी नहीं करते हैं, बट यह बच्चों ने बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म किया। देख के बहुत अच्छा लग रहा था, ये ना दिल को इतना सुकून मिल रहा था कि वाह, ऑस्ट्रेलिया में भी रह के आप इंडियन कल्चर को यू नो बहुत करीब से देख पा रहे हो। बहुत प्यारा था परफॉर्मेंस। तो ये था बच्चों का प्यारा सा परफॉर्मेंस। गाइस, अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। देखिए उन्होंने कितने अच्छे से प्रैक्टिस करके परफॉर्मेंस किया, बहुत टाइम भी दिया है, हार्ड वर्क भी किया है। तो अगर आपको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये था day 1। अब हम day 2 पूजा दिखाती हूँ आपको कि हमने day 2 कैसे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ है day 2, फिर से शाम में हमने पूजा किया आफ्टर ऑफिस, सारे ऑफिस ख़त्म होने के बाद हमने फिर से शाम में पूजा किया, और उसके बाद आज ये बच्चे लोग डांस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये 0 to 2 छोटे छोटे बच्चे लोग। अब इस प्यारे से परफॉर्मेंस के बाद हमने बच्चों के साथ कुछ गेम खेला,
तो उनको हमने कुछ एक्टिविटी टाइप गेम खिलवाया, और ये गेम होने के बाद जब बच्चों ने गेम खेल लिया तो बच्चों की मम्मी कैसे पीछे रह सकती, तो मम्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। और यहाँ पे हमें बहुत हार्ड था ये गेम, यहाँ पे हमें यू नो स्ट्रॉ से चने को पकड़ना है और दूसरे ग्लास में डालना, बहुत फन था ये ना। वो गेम तो डिफरेंट है बट जो हम साथ में फ़न किए वो बहुत मज़ेदार था। और ये गेम ख़त्म होने के बाद डैडी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, डैडी को भी हमने गेम खेलवाया, यहाँ बहुत सारा एक्सरसाइज किया। और एक्सरसाइज था हेड शोल्डर नीज टोस, हेड शोल्डर नीज ग्लास, तो सो फन। तो अब डे थ्री आता है, डे थ्री भी हमने फिर से पूजा की पापा के लिए, अच्छे से आरती की, और उसके बाद सभी ने मिलके यहाँ पे डांडिया किया, डांडिया या गरबा जो भी बोल सकते, सभी यहाँ बच्चे से लेके बड़े तक, मम्मी डैडी एवरीवन, सभी ने बहुत इंजॉय किया। तो डे थ्री हमने इस तरह सेलिब्रेट किया। और अब चलते हैं डे फोर। तो डे फोर था सैटरडे, तो हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा था तो हमने कुछ ज़्यादा एक्टिविटी रखा। और यहाँ पे हमने बच्चों के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखे थे, और यहाँ देखिए एलिसा और आजिका दोनों गोपिका बन रहे हैं, एलिसा को रेडी किया जा रहा है, कितने प्यारे। तो अब ये देखिए बच्चे कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं, कोई कृष्ण बना है, कोई राधा बने, कोई गोपिका बने हैं, कोई प्रिंसेस बना है, कोई फार्मर बना है, बहुत प्यारे से सभी बच्चे रेडी होके आए थे। बच्चों का परफॉर्मेंस, अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मम्मियों का परफॉर्मेंस। तो ये था प्यारा सा परफॉर्मेंस इनका, और आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। अब इनके डांस होने के बाद डैडी कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो अब है डैडी का डांस।
इस तरह हमने चार दिन तो सेलिब्रेट कर लिया गणेश चतुर्थी, और अब कल है संडे और कल हम पापा का विसर्जन करने वाले हैं। तो ये है संडे और यहाँ पे सारी तैयारी शुरू है, उनके आसन उनको ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे बिल्डिंग में और उसके बाद उसका विसर्जन होगा। तो यहाँ पे सब तैयारी में लगे हुए हैं। और ये 5 दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इंडिया में ही रह रही हूँ। बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेशन किया। गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड गिव मी थम्स अप। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।